हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। आज हम वीएस कोड पर एक छोटा सा प्रोग्राम रन कराएंगे पाइथन का। तो आइए देखते हैं वीएस कोड पर यानी विजुअल स्टूडियो कोड पर ये प्रोग्राम रन कैसे कराएंगे। तो यहाँ पर मैं वीएस कोड यानी विजुअल बेसिक कोड जो है अपना ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम वो प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो एक फोल्डर मैंने बना रखा है, ये देख सकते हैं, ये हमारा फोल्डर है और यहीं पर वो प्रोग्राम मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर प्रोग्राम कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर a नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पर इंट टाइप का डेटा टाइप ले लेता हूँ और यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट फंक्शन। तो ये इनपुट फंक्शन भी यूज किया और यहाँ पर एंटर द नंबर ऑफ रोज करेंगे, नंबर ऑफ रोज यानी रोज कितने आपको चाहिए। ठीक है, अब ये यहाँ पर आकर के आप एंटर करेंगे। यहाँ लूप की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे फॉर लूप लगा देते हैं। तो ये फॉर लूप लगाया और यहाँ आई नाम से एक वेरिएबल लूप चलाने के लिए और यहाँ आई इन रेंज लगा दिया। और रेंज लगाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे हम ए। ठीक है, यानी इसमें ए आ जाएगा और यहाँ कॉलन आपको लगा देना होगा। जब भी इस तरीके का आप लिखिएगा तो यहाँ पे कॉलन जरूर लगाइएगा। ठीक है, बाकी नीचे भी हम आएंगे तो नीचे हमें सिंपली इस तरीके से फॉर जे इन रेंज, क्योंकि एक रो बनेगा एक कॉलम बनेगा तो जे इन रेंज करना है और ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, फिर नीचे जैसे ही आते हैं तो हमें ये स्टार पैटर्न प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे स्टार लगा दिया है और एंड इज इक्वल टू डबल डॉट कॉमा ओपन और क्लोज करेंगे यानी गैपिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पर खाली प्रिंट छोड़ देंगे, ऐसे ही खाली रखेंगे इसको और इसको सेव करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे सेव करता हूँ, तो इसे सेव कर लेते हैं। ये डॉट पी वाई सम डॉट पी वाई के ही नाम से सेव हो गया है। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके इस प्रोग्राम को चलाने की बारी है। तो चलाने के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रन पाइथन, तो यहां से जाकर के टर्मिनल पे इसे रन कराएंगे और जैसे ही रन कराएंगे तो यहां पे आपको दिखेगा एंटर द नंबर ऑफ रोज, यानी नंबर ऑफ रोज आपको एंटर करने हैं यहां पे। तो कितने रोज चाहिए, तो हमें 5 रोज चाहिए। ठीक है, और जैसे ही 5 रोज हम यहां पे एंटर करते हैं तो यहां पर ये पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, फिर एक बार और इस प्रोग्राम को चलाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहां पर इस प्रोग्राम को एक बार फिर से मैं रन करा लेता हूं। तो रन कराने पर वापस वही चीज कि एंटर द नंबर ऑफ रोज आता है। अब इस बार हम 7 रोज एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 7 लाइन का ये पैटर्न प्रिंट होता हुआ आपको नजर आएगा। तो इस तरीके से छोटा मोटा प्रोग्राम भी आप बना सकते हैं और बड़े बड़े अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं पाइथन का इस वी वी वीएस कोड के ऊपर। ठीक है ना, आई होप की बात समझ में आई होगी। ओके,